राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्यों ने वेतन विसंगतियों, प्रमोशन सहित अपने संगठन के सचिव एवं अवर अभियंता इंजीनियर के नियम विरुद्ध तरीके से किए गए तबादले के विरोध में मोदीपुर स्थित मुख्य अभियंता वितरण के कार्यालय के समक्ष 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियर संगठन के अभियंताओं का कहना था कि वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने तथा पदोन्नति सहित अवर अभियंता का तबादला स्थानांतरण नीति के विपरीत किया गया है, जिसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे मजबूर होकर सोमवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। इसके बावजूद अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 3 सितंबर को मशाल जुलूस और 5 सितंबर को शक्ति भवन पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, ये आंदोलन देखिए पूरी तरह से मतलब 22 जुलाई को इनको नोटिस दी गई कि हम लोगों की तमाम मांगे हैं उसको पूरा करें चेयरमैन साहब, और 22 जुलाई को दिया गया कि 5 अगस्त से हमारा प्रथम चरण पूरा चलेगा, जिसमें नियम विरुद्ध जो जितने काम ये लोग कराते हैं बिना एग्रीमेंट के, बिना संसाधन के, वो सब कामों का हम लोग विरोध करेंगे, असहयोग करेंगे, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। और फिर उसके बाद हमारा 5 तारीख से नियम विरुद्ध 14 अगस्त तक काली पट्टी बांध करके हम विरोध करते रहे, लेकिन प्रबंधन अपने हठवादी धर्मिता को अपनाए हुए है। उसके बाद हमारा 19-20 को 2 दिन का आंदोलन चला, 2 दिन सारे मुख्य अभियंता कार्यालयों पे लोग इकट्ठा हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किए, फिर भी इनके ऊपर कोई जूं नहीं रेंगा है। जब इन चेयरमैन को हमारी ज़रूरत पड़ी मेगा डिसकनेक्शन में, 25 तारीख को आपने देखा होगा मेगा डिसकनेक्शन कराना था और इनकी सांस फूलने लगी थी कि अगर जेई संगठन के लोग नहीं रहेंगे तो हम डिसकनेक्शन कैसे कराएंगे, तो इन लोगों ने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव जी से बात किया कि भाई हमारा आप लोग सहयोग करिए डिसकनेक्शन में और हम आपकी बातों के लिए विचार करेंगे। तो हमारे संगठन के लोग जनता के हित में और अपने विभाग को बचाने के लिए कल का पूरा डिसकनेक्शन में जोर दिया, और आपको पता होगा कि कल लगभग 4.25 करोड़ रुपया एक दिन में गोरखपुर जैसे जोन से इकट्ठा किया गया, और इसका पूरी तरह से जेई संगठन के लोगों ने जम करके काम किया है, फिर भी इनके ऊपर अभी कोई जूं नहीं रेंग रही, इसलिए आज ये 26, 27, 28 3 दिन का आंदोलन फिर से चलेगा। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो फिर 3 तारीख को हम लोग शाम को मशाल जुलूस निकालेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो 5 तारीख को शक्ति भवन का घेराव है लखनऊ। मुख्य मांग हमारी ये है कि जैसे 6वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम था, 4200 का ग्रेड पे जेई को दे दिया गया जो कहीं से उचित नहीं था, उसकी डिमांड चली और तमाम आंदोलनों के बाद विभाग ने माना कि हाँ जेई को सहायक अभियंता के नीचे वाला ग्रेड पे 4600 या 4800 दिया जाना चाहिए, 4800 तो नहीं दिया, 4600 दिया। 4600 को भी अगर ग्रेड पे आपका 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू था तो उसको इन लोगों ने चाल चलते हुए 31/12/15 मतलब 6वें वेतन आयोग का अंतिम दिन जो था उस दिन लागू कर दिया, जिससे 2006 में आए हुए जेई और 2016 में आए हुए जेई का वेतन बराबर हो गया, मतलब 10 साल पुराना जेई और 10 साल नया जेई दोनों का वेतन जो है बराबर हो गया। ये जब दिक्कतें आई तो प्रबंधन के सामने हमारा संगठन रखा कि भाई 10 साल पुराने जेई का वेतन ज़्यादा होना चाहिए नए वाले की अपेक्षा, तो संगठन ये जब मांग रखा तो इस पर तर्क में लोग सहमत भी हैं लेकिन फिर भी आदेश नहीं करेंगे, ये मनमानी है। यहाँ तक बात हुई कि भाई ठीक है एरियर मत दीजिए लेकिन आज से तो वेतन सही कर दीजिए ताकि लगे कि 10 साल पुराना जेई सीनियर है और नया जेई जूनियर है, लेकिन इस पर भी कोई आदेश नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ये आंदोलन जारी है। पिछले साल हमारी वार्ता हुई उसमें सहमति बनी, आदेश होना था लेकिन नहीं किया, इसलिए ये आंदोलन है। दूसरी बात ये कि
जैसे प्रमोशन लोगों के नहीं होते हैं तो टाइम स्केल की व्यवस्था है तमाम सरकारी विभागों में कि अगर वेतन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन का डेट जब आता है तब आपको टाइम स्केल अगले पद की दे दी जाए। इसका हमारे विभाग में पूरी तरह से आदेश था कि 9 साल में सहायक अभियंता का वेतन दिया जाएगा वेतनमान, और उसके बाद अधिशासी अभियंता का 14वें साल में, और 19वें साल में आपको अधीक्षण अभियंता का वेतनमान 8700-8900 ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन ये भी तर्कों के आधार पे सहमत हैं लेकिन इसकी भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा आंदोलन है। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं नहीं हैं, न तार है न ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर देखिए 20-20 दिन हो गए गाँवों के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 24 घंटा बिजली देना है लेकिन व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। इन्हीं सब कुरीतियों के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और हमारा आंदोलन जनता के हित में है। हम अभी जनता की कोई मतलब दिक्कत नहीं कर रहे हैं, दिन भर हम लोग काम करा रहे हैं और 8 घंटे के बाद अपनी मोबाइल बंद कर रहे हैं। आज बैठक है उस पर बात हो रही है, अगर नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। तबादला वाला मेन मुद्दा है, अभी भी वो बना हुआ है। आज चेयरमैन से हमारे संगठन के प्रतिनिधियों की वार्ता है, अगर उसमें वार्ता बनी तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और आगे जाएगा।